हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टू डेस। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम सेकंड काउंसलिंग के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। आप लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग में अटेंड जरूर किया होगा। अब आप बात करते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों ने कौन से कॉलेज फिल किए होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में हम एक फुल वीडियो भी बना देंगे, जिस कॉलेज के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल चाहिएगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस जान लेते हैं। एंड फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप लोगों के मन का जो स्कूल नहीं मिला है उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सो फुल डिटेल जानेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि इसमें काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या लिखा है, इसके बाद हम सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। सो देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण वो था वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लिखा है अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मानित होने के लिए कुल भुगतान 5500 रुपये यानी कि 5500 ऑनलाइन SBI द्वारा शुल्क जमा होगा। ये आप लोग कर चुके होंगे सबमिट, लेकिन इसका फुल प्रोसेस जान लेते हैं कि पंजीकरण शुल्क जो था वो 500 था एंड जो धरोहर राशि इसमें लिखा है सिक्योरिटी जो मनी थी वो 5000 थी। आप लोगों ने जब काउंसलिंग कराई होगी तो आप लोगों के साथ ये मनी आप लोगों ने ट्रांसफ़र की होगी, लेकिन ये मनी का फुल प्रोसेस क्या है ये जान लेते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में आप लोगों को मनी दोबारा क्या जमा करनी पड़ेगी, क्या दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। सो इसका देख लेते हैं। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये था। अगर आप लोग काउंसलिंग में अटेंड कर थे तो आप लोगों के पास 500 रुपये जमा हुए होंगे क्योंकि इसमें लिखा नॉन रिफंडेबल, 500 रुपये आप लोगों के वापस नहीं होंगे। तो धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी 5000 जमा करना होगा एंड उपरोक्त जमा ना होने की दशा में पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं मानी जाएगी, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती जब आप लोग 5000 रुपये नहीं सबमिट करते। एंड बात कर लेते हैं, यदि काउंसलिंग के पश्चात आप लोगों ने काउंसलिंग करवा दी थी कि अब यहाँ से पढ़िएगा, यदि काउंसलिंग के पश्चात आवंटित संस्था में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को एक कॉलेज जो है वो आप लोगों को अटेंड करना होगा, फिर आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में अपना कॉलेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसमें लिखा है प्रवेश नहीं लिया जाता है यानी कि आप लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी है 5000 विश्वविद्यालय के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी, यानी कि सबमिट कर ली जाएगी। जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पास ही 5000 रुपये जो है वो रख लेगी। यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वितीय चक्र में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे पुराना सिक्योरिटी मनी 5000 जमा करनी होगी। अब आप लोग यहाँ से बात समझ गए होंगे कि अगर आप लोग पहली राउंड काउंसलिंग में 5000 जो रुपए आप लोगों ने सबमिट किए हैं, अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, यदि आप लोगों को अपने मनी का कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोगों के 5000 रुपये ये यूनिवर्सिटी जो है वो अपने पास रख लेगी। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप लोग अपना चेंज करा लीजिएगा कि मुझे ये कॉलेज नहीं पसंद। अगर आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप लोगों के 5000 रुपये फिर से पड़ जाएंगे। देखिए लिखा है अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना हो गया, यानी कि जो कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें आप लोगों को एडमिशन प्राप्त करना होगा। इसमें आप लोगों के सामने लिखा है प्रवेश प्राप्त करना होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश के पश्चात त्याग पत्र देने की दिशा में अब मतलब कि आप लोग एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद आप लोग सोचते हैं कि हम मुझे नहीं लेना यहाँ पर, तो त्याग पत्र देने की दिशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि फिर भी आप लोगों की जो 5000 रुपये हैं वो आप लोगों के यूनिवर्सिटी में जमा हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र में काउंसलिंग के लिए अर्ह होंगे, यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप लोग तभी अटेंड कर सकते हैं जब आप लोग दोबारा 5000 रुपये देंगे। सो आप लोग प्लीज़
मतलब कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ज़रूर लें। अगर आप लोगों को 5,000 रुपये दोबारा जमा करने हो फिर आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मतलब कि आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अटेंड करें, वरना मेरा मानना तो यही है कि आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लें, फिर इसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपना दोबारा चेंज कर सकते हैं। प्रथम बात देखिए सुनिखा, प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत ही द्वितीय काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन हेतु अर्न होंगे। ऐसे यानी कि आप लोग जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हैं इसके बाद आप लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित तो हो जाती है एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भाग लेते हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को कोई सीट मिल जाती है तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट पुनः आवंटित हो जाती है। यहाँ पर आप लोग मतलब समझिएगा कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जौन सा कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आप लोगों को वही कॉलेज मिल जाता है, तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यानी कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद उन्हें दोबारा फिर अपनी प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पुनः पूर्ण करनी होगी, अन्यथा अगर आप लोगों ने नहीं किया आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त सीट को रिक्त मानते हुए यानी कि आप लोग एडमिशन नहीं लेते तो वो सीट रिक्त मानी जाएगी, वह मॉपअप चक्र यानी कि जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग होती है चक्र से भर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड। एंड इसमें 11 नंबर का पॉइंट लिखा है, सिक्योरिटी फीस, हॉस्टल फीस, मिसलेनियस फीस आज द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत प्रवेशित कॉलेज में जमा की जाएगी, यानी कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद ही जमा की जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऐसे अभ्यर्थी ये आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे लिखे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अटेंड किया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा प्रथम काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो कर लिया गया परंतु किन्हीं कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी कि 5,000 रुपये धरोहर राशि नहीं जमा कर सके, वह निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क धरोहर धनराशि जमा कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था लेकिन उनके पास फीस जमा करने के लिए रुपए ही नहीं थे, यानी कि उन्होंने रुपए जमा ही नहीं किए, तो वो अपना पैसे जमा करके दोबारा काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। एंड सो फ्रेंड्स, यही हमारी आज की कुछ जानकारी थी काउंसलिंग से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे सेकंड राउंड काउंसलिंग से, एंड 5,000 का जो रुपए की बात थी वो भी आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। एंड आप लोग और भी पॉइंट पढ़ सकते हैं, एंड आप लोग अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही हमारे टॉपिक थे, एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।